हम प्रोसेसेस देखते हैं. फर्स्ट इज द आइसोक्रोमेटिक प्रोसेस. आइसोक्रोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा. वर्क डन जो होता है डेल्टा डब्ल्यू, अगर हमारा पीवी कर्व है, जैसे तो मैंने आपको बताया था साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, अगर कोई भी प्रोसेस है वर्क डन विल बी एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना. तो दिस, क्योंकि एरिया जो होता है, या आप 12th के अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, एरिया जो होता है इट इज गिवन बाय पीडीबी. मतलब अगर यहां पे वाई है, वाई इंटू डीएक्स, ठीक है, तो ये होता है एरिया हमारा. तो पीडीबी जो होता है ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है ना. मतलब कोई भी ऐसा कर्व जा रहा है, अगर मैं उसको यहां से ड्रॉप कर दूं तो पीडीबी यही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो ये थी, नाउ वी कम टू द आइसोक्रोमेटिक प्रोसेस. जैसे कि आइसोक्रोमेटिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया था, आइसोक्रोमेटिक प्रोसेस में वी कांस्टेंट होता है, ठीक है. अब वी कांस्टेंट होता है तो पीडीबी, अब जब वी कांस्टेंट है तो आइसोक्रोमेटिक प्रोसेस में क्या होगा, वर्क डन विल बी जीरो बिकॉज डेल्टा वी इज जीरो, ठीक है. तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू. यानी अगर मैं हम कुछ हीट देते हैं तो वो टोटली उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में चली जाएगी, ठीक है. तो ये होती है आइसोक्रोमेटिक प्रोसेस. अगर मैं अलग अलग कर्व्स, वैसे आपके बुकलेट में दे भी रखे हैं, अगर पीवी कर्व है, ठीक है, तो आइसोक्रोमेटिक प्रोसेस क्या होगी, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. यानी वर्टिकल लाइन पर अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है, मतलब ऐसी कुछ प्रोसेस हो रही है, इनिशियल यहां पर है, ठीक है, और यहां पर फाइनल है, यानी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, कुछ भी हो रहा है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रह रही है, तो दिस इज आइसोक्रोमेटिक प्रोसेस. सिमिलरली अगर टीवी कर्व हो तब भी ये, ठीक है, टीवी कर्व या फिर वीटी कर्व हो, अगर यहां पर वी है एंड दिस इज टी, तो ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है. अगर पीवी कर्व है, पीवी कर्व है तो ये ऐसी होनी चाहिए. ऐसी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए पी वन वी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू, ठीक है. तो ये होती है प्रोसेसेस. और एक चीज और, जो पीटी ग्राफ होता है, सॉरी पीवी ग्राफ नहीं, दिस इज पीटी ग्राफ, यानी सॉरी ऐसे प्रोसेस में तो वी कॉन्स्टेंट होता है, पी वाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई टी टू. तो उसमें यही होगा, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो उस केस में वॉल्यूम विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है. अब इस प्रोसेस में क्या होगा, जो स्लोप होगी, इस प्रोसेस की स्लोप, स्लोप क्या होती है, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, ठीक है, m स्लोप होती है, और y पर क्या है p, तो p इज इक्वल टू एम इंटू टी, तो m विल बी इक्वल टू p अपॉन टी. और अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूं तो p बाय टी की वैल्यू क्या होती है, एन आर अपॉन वी. सो दैट मीन्स स्लोप विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है. यानी अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा, जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो स्लोप कम होगी, यानी ऐसे होगी. अगर इसका वॉल्यूम वी वन है और इसका वॉल्यूम वी टू है, ठीक है, इन दोनों प्रोसेस में, तो वी वन विल बी, वी वन विल बी ग्रेटर देन वी टू, ठीक है. ये एक छोटी सी चीज थी. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है, जो आपकी बुकलेट में एग्जाम्पल नंबर 3 है, या खुद कर लेंगे, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सिंपली आपको बस जो वर्क डन है उसकी वैल्यू निकालनी है. वर्क डन आपको मैंने बताया था, वो सिंपली क्या होता है, पीडीवी होता है, सिंपली पीडीवी होता है. अब यहां पर आपको जो एग्जांपल नंबर 3 है वो मैं हल्का सा डिस्कस कर लेता हूं, वैसे तो आप खुद ही करेंगे. उसमें क्या है कि प्रोसेस इक्वेशन दे रखी है, पी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, सॉरी पी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के. तो आप क्या होता है कि आपको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है. एक तो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, जो आप कभी भी लगा सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है, और PT स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब क्या है कि अगर मैं P को यहां से सब्स्टिट्यूट करता V, क्योंकि मेरे को अब क्या है, ये जो P है ये V की टर्म्स में चाहिए. अब क्योंकि P भी चेंज हो रहा है, अब हमको नहीं पता यहां पे क्या है कि हमको इक्वेशन नहीं पता कि P भी चेंज हो रहा है. अगर यहां पे P कांस्टेंट होता तो मैं इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देता, बट मेरे को फॉर्मूले में नहीं पता कि P चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो व्हाट विल डू इज कि अब हमको एक प्रोसेस की पता होना चाहिए कि P चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है तो किस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है.
अब लेट अस सपोज कि अगर मैं पी को वी में यहां पर करता, इस इक्वेशन को यूज करता, तो पी क्या आता, एन आर टी अपॉन वी। अब मैं अगर यहां पर एन आर टी अपॉन वी डालता तो टी भी चेंज हो रहा है, इसलिए मेरे को सिर्फ आइडियल गैस से सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, यानी आई नीड अनदर इक्वेशन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होगा आपका जनरली यही आएगा कि आपको प्रोसेस इक्वेशन एक और गिवन होगी। अब जैसे ये होती है प्रोसेस इक्वेशन पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के, ठीक है, तो ये आपको गिवन है। अब आप यहां पर उसकी वैल्यू डालेंगे, जैसे टी जो है, टी की वैल्यू मैं यहां से डालता हूं, जो आइडियल गैस इक्वेशन है यहां से मैं टी की वैल्यू डालता हूं, टी की वैल्यू क्या आई, पी वी अपॉन एन आर। ठीक है, इसको मैंने प्रोसेस इक्वेशन में डाल दिया, तो ये क्या आएगा, पी पी वी अपॉन एन आर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू के। ठीक है, सो दैट मीन्स पी क्यूब वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर का स्क्वायर इंटू के। ठीक है, अब मैं p को v की टर्म्स में लिख सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि nr तो कांस्टेंट है, nr तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या हुआ, p जो हुआ वो v की टर्म्स में आ गया। अब इस p इस टर्म को, ये जो मेरी टर्म आई, इसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरी आराम से इंटीग्रेशन हो सकती है, बिकॉज दिस पार्ट इज कांस्टेंट और ये v है, तो मैं आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको हम करते हैं, दिस इज द प्रॉपर मेथड। ठीक है, आपको कभी भी प्रोसेस इक्वेशन गिवन हो आप एक आइडियल गैस को यूज करेंगे और वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे, राइट। लेट अस सी अदर प्रोसेसेस, आइसोबारिक प्रोसेस जहां पे प्रेशर जो है दैट इज कॉन्स्टेंट। तो जब प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है तो हमको पता है कि डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू विल बी सिंपली पी डी वी या पी डेल्टा वी, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं पी डेल्टा वी, या फिर इसको लिख सकता हूं एन आर डेल्टा टी। ठीक है, तो ये होता है डेल्टा डब्ल्यू, और इसकी जो कर्व्स हैं वो आप देख लेंगे, दे वेरी सिंपल। नाउ वी कम टू द थर्ड प्रोसेस विच इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या होता है, टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेस इक्वेशन क्या हो गई हमारी, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गई अपने आप डायरेक्टली। अब इससे क्या हुआ, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, पीडीवी, पी की वैल्यू लिख सकता हूं के अपॉन वी, के जो है वो दैट इज कॉन्स्टेंट, के अपॉन वी इंटू डीवी, इसकी इंटीग्रेशन के एल एन वी। ठीक है, और वी आई से वी फाइनल तक, तो ये आएगा एन आर टी। के क्या लिख सकता हूं, पीवी इज इक्वल टू के था, या फिर पीवी इज इक्वल टू एन आर टी था। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो गई, एन आर टी, बिकॉज टी इज कॉन्स्टेंट, तो ये भी पूरा कॉन्स्टेंट हो गया, तो एन आर टी ln v final upon v initial। अब क्योंकि p1 v1 is equals to p2 v2, p1 v1 is equals to p2 v2, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ये अगर v2 by v1 है so that means कि v2 by v1 will be equals to p1 by p2, या फिर v final upon v initial is equals to p initial upon p final, यहां पे लिख सकता हूं p initial by p final, एक ही बात है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, बच्चे जनरली काफी कंफ्यूज होते हैं, जब एक्चुअली में फॉर्मूला आएगा काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वी फाइनल ऊपर पुट करो, वी इनिशियल पुट करो, या पी फाइनल ऊपर आएगा या पी इनिशियल। अगर आप याद रख रहे हैं तो एक ही चीज को याद रखें, ठीक है, मतलब आपने इसको भूल जाइए, इसको याद रखिए एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, कभी सोचना ही नहीं कि वी इनिशियल ऊपर आता है। ठीक है, नहीं तो अगर आप दोनों याद करेंगे तो क्या होता है कि एक्चुअली में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पर यार v इनिशियल ऊपर आता है या p फाइनल ऊपर आता है या क्या होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। बट लेकिन अगर क्या होता है कभी अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको दे रखा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो जो आपको स्टेट दे रखा होगा वो चेंज किसका दे रखा होगा, प्रेशर का दे रखा होगा, मतलब प्रेशर इनिशियल से फाइनल तक, तब आपको इस चीज का यूज करना पड़ेगा और खुद डिराइव करना इसको। ठीक है, आप इसको याद ना करें, ठीक है, इस इक्वेशन को आप याद नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसको याद रखें और ये चीज याद रखें कि p1 v1 जो है दिस विल बी इक्वल टू p2 v2, बस दैट्स इट। ठीक है, तो आप v2 by v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच विल बी p1 by p2, और यहां पे पुट कर सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर भी गिवन ना हो, ठीक है, और आपको इनिशियल कंडीशन गिवन हो, जैसे p1 v1 गिवन हो, तो nRT क्या है, nRT pv is equal to constant है, pv is equal to nRT, या फिर is equal to p1 v1 is equal to p2 v2, एक ही बात है ना। तो यहां पर मैं आराम से लिख सकता हूं nRT को, मेरे को कुछ भी दे रखा हो, p1 v1 दे रखा हो, तो मैं nRT को p1 v1 भी लिख सकता हूं,
इसको अगर P2V2 दे रखा हो तो P2V2 भी लग सकता हूं, आई कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। बट आपको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला याद करना है, बाकी सब आप अपने आप वहीं पे करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज, अब इसका पीवी डायग्राम कैसा होगा, पीवी कर्व कैसा होगा, आपके बुकलेट में गिवन है जिसके अंदर पूरा ड्राइव करके दिखाया हुआ कि कैसा होगा। अब क्योंकि पी जो है पी इज इक्वल टू के बाय वी है, इन्होंने कर्व डिफाइन करने के लिए क्या करा, कर्व निकालने के लिए क्या करा कि एक चीज तो आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यानी जब प्रेशर, अगर मैं कुछ प्रोसेस करता हूं जिसमें क्या हो रहा है वॉल्यूम की वैल्यू लेट अस सपोज इंक्रीज कर रही है, तो ये कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स कि ऐसा होना चाहिए कि प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज करे, या फिर अगर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है। अब क्या होगा अगर लेट अस सपोज इनिशियल स्टेट यहां पर है और हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, अगर मैं इधर जा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी, राइट, ठीक है। अब हमको देखना है कि कर्व कैसा होगा। अब होने को क्या हो सकता है, जो हमारा कर्व है वो कुछ भी हो सकता है, मेरे को लेट अस सपोज पता है कि यहां से यहां पर आने में पर, ठीक है, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू यहां पे ज्यादा है तो यानी प्रेशर की वैल्यू कुछ कम होनी चाहिए, ये डेल्टा पी कम हो गई, और वॉल्यूम की वैल्यू कम है तो यहां पे ज्यादा हो जानी चाहिए, ये डेल्टा वी बढ़ गई, ठीक है, एक कम हुआ एक बढ़ गया, ये मेरे को पता है कि इनिशियल स्टेट यहां पर है, फाइनल स्टेट यहां पर है। अब प्रोसेस कैसी हो सकती है, ऐसी ही हो सकती है, कुछ भी ऐसी 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 हो सकती है, ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। अब ये कैसे पता करेंगे, आपका चैप्टर जो आएगा एरिया वाला, मैक्सिमम मिनिमम वाला, उससे ऑल दो आप कर्व्स बनाना सीख जाएंगे, बट अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि कैसे करते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, आप पी इज इक्वल टू के वी है, डीपी वाई डीवी की वैल्यू निकाल लो, जिसकी वैल्यू आएगी माइनस के अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। अब वी जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, सो दैट मीन दिस विल बी लेस देन जीरो, ठीक है। डीपी बाई डीवी क्या होगा, ये हो गया डीवाई बाई डीएक्स, जो कि क्या होता है कर्व होता है, सॉरी स्लोप होती है किसी भी कर्व की, यानी स्लोप जो है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इसका मतलब ऐसा तो कर्व हो ही नहीं सकता, बिकॉज इस पॉइंट पर स्लोप क्या हो गई, ये तो पॉजिटिव हो गई, ये थीटा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चला गया तो ये पॉजिटिव हो गई ऊपर की डायरेक्शन में, सो दैट मीन्स कि ये तो पक्का है कि ऐसा भी नहीं हो सकता, तो होगा कैसा, ये है ये है, या तो ये ऐसा होगा बिकॉज यहां पे स्लोप क्या है नेगेटिव है, आपको पता है जो हमारी कर्व जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, नेगेटिव कब होती है जब हम क्लॉकवाइज, अगर मैं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी स्लोप के लिए, सो दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं तो पॉजिटिव होता है। इस कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं पढ़ा तो ये चीज आप याद रखेंगे, ये ऑल्दो मतलब एक्चुअली क्या है ये एक ही चीज को बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यू नो बहुत सारी इंटरप्रिटेशन होती हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको आता नहीं अगर नहीं करा, बट ये उसी चीज की रिप्रेजेंटेशन है। हमको पता है कि थीटा जो है हम यहां से मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं, तो थीटा अगर पॉजिटिव होता है तभी टैन थीटा जो होती है, जो हमारी स्लोप होती है, ये तब भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये एक शॉर्टकट है, अगर हम मैं हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहा हूं सो दिस विल बी थीटा विल बी नेगेटिव, ठीक है, तो थीटा नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गई, तो यानी ये हो सकता है। अब अगर मैं कर्व कुछ ऐसा बना दू या फिर कुछ कर्व ऐसा बना दू तब भी हो सकता है, ठीक है ना। हर पॉइंट पे देखो यहां पे स्लोप क्या नेगेटिव है, यहां पे भी स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, ये हो सकता है। अब ये जो होती है दिस इज कॉल्ड ये जो चीजें होती है तीन चीजें होती हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्सिविटी या फिर कनकेविटी, ठीक है। ये हमको कैसे पता चलता है, ये हमको पता चलता है d2pp/dv² से। इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे स्लोप को, जो हमारी k बाय वी स्क्वायर आया था, सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस इसका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 k/v³, सॉरी ये प्लस हो जाएगा माइनस से माइनस, ठीक है। सो दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो, जब ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारा जो कर्व होगा दिस विल बी इस तरीके का होता है, ठीक है ना।
कर्व जो होगा इस तरीके का होगा। आप पढ़ेंगे, आपने पैराबोला में भी देखा होगा, पैराबोला में ऐसा कर्व होता है, तो ये पैराबोला टाइप की चीज होती है। बाकी इसकी डिटेल्स जो है आप मैथ्स वाले सर से, अगर आपको नहीं समझ में आया, आप मैथ्स वाले सर से पूछ सकते हैं, या फिर जो आपका चैप्टर आएगा उसमें देखकर, जो 12th में चैप्टर आई उसमें देखकर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसकी ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अब हमने काफी सारी प्रोसेस देखी, द लास्ट थिंग लेफ्ट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस इज सेट टू बी रिवर्सिबल इफ इट इज क्वासिस्टेटिक, क्वासी स्टैटिक, इन द सेकेंड इज नॉन डिसिपेटिव। क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है कि एक्चुअली में अगर मतलब एक्चुअली में ये होता है कि एक सिस्टम होता है वो किसी भी थोड़े टाइम के लिए भी सेम स्टेट पे नहीं रहता, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। आप कोई भी चीज बाहर रख दीजिए, जैसे आइस रखी हुई है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, उसके टेम्परेचर में या प्रेशर में वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। फ्रिज में रख दी, कहीं पे भी वो चेंज कुछ ना कुछ होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअली में क्या होता है कि अगर कुछ ऐसी मोमेंट आता है कि थोड़े टाइम तक पूरा जो सिस्टम होता है वो सेम स्टेट में रहेगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बट ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। एंड क्वासी स्टैटिक होता है कि अगर हम किसी प्रोसेस को इतना स्लोली करें, इट इज सो स्लोली दैट सो दैट द सिस्टम विल बी ऑलमोस्ट इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, देन दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब इतनी स्लोली कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अगर ये दोनों चीजें होती हैं, नॉन डिसिपेटिव क्या होता है कि नो हीट डिसिपेशन शुड टेक प्लेस, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो अगर ये दोनों होती है तब वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाई जाती है, ठीक है। That's it. So, ये the reversible process. Now, we will see a very important thing, which is the relation between CP and CV. CP and CV. अब आपको पता है डेल्टा क्यू होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू NCDT, ठीक है। अब अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर है, कॉन्स्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है, तो N क्या, CP, C क्या हो जाएगा, CP, यही होता है ना, C को हम CP लिख लेते हैं। और अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की प्रेशर वो हो तो इसको हम लिखते हैं NCVdT, ठीक है। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन इज जीरो, सो डेल्टा यू इज गिवन एज NCVdT, क्योंकि डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू डेल्टा क्यू हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सो दिस विल बी इक्वल टू NCVdT। ये हमेशा होता है, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है। डेल्टा Q एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी NCPdT, और डेल्टा U को तो हम NCVdT लिखते हैं। और डेल्टा W क्या हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा W इज इक्वल टू PdV और प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो ये इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं NRdT, ठीक है। क्योंकि अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो डेल्टा T में भी चेंज होएगा, ठीक है। तो इसको सिंपली ये लिख सकता हूं, यहां पे लिख दिया मैंने NRdT। अब NdT हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो CP विल कम आउट टू बी CV प्लस R। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। और अब आपको पता है कि CV जो होता है, CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, ये आपको पता है। अगर मैं यहां पे ये टर्म डाल दूं तो CP क्या आएगा, CP विल कम आउट टू बी R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R, ठीक है, ठीक है ना। सो दिस कम्स आउट टू बी गामा R अपॉन गामा माइनस 1, राइट। तो CP अपॉन CV क्या हुआ, दिस विल बी इक्वल टू गामा, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। ऑलराइट, लेट अस सी एग्जांपल नंबर 5। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स के लिए बिल्कुल एप्ट है। ऑब्जेक्टिव्स में आपका जो जेई पैटर्न है उसमें अगर कोई बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ सकता है तो ये एक उनमें से हो सकता है, बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छे लेवल का। इसमें क्या है कि हमको C1, C2, C3 बताना है, तीन प्रोसेस हो रही है, इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, तीन तरीके से, ठीक है। हमको बताना है कि C1
प्रोसेस वन के अंदर सी वन है, प्रोसेस टू के अंदर सी टू है, प्रोसेस थ्री के अंदर सी थ्री है मोलर हीट कैपेसिटी। तो इन तीनों का आपस में रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे? अब सबसे पहली बात आपको पता है इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, सो दैट मीन्स डेल्टा यू इज सेम फॉर ऑल द सेम। डेल्टा यू वन विल बी इक्वल टू डेल्टा यू टू एंड इक्वल टू डेल्टा यू थ्री। अब C1, C2, C3 का रिलेशन बताना है, तो C1, C2, C3 किस में आता है? डेल्टा Q के अंदर आता है। यानी अगर मेरे को पता चल जाए कि डेल्टा Q1, डेल्टा Q2 और डेल्टा Q3 में क्या रिलेशन है, तो मैं बता सकता हूं कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, राइट? और मेरे को यह पता चल गया कि डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3 सेम है, सो दैट मीन्स कि एक तरीके से हमको पता है कि डेल्टा Q क्या होता है। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये तीनों में सेम है, तो दैट मीन्स कि अगर मेरा रिलेशन निकल जाए डेल्टा W1, डेल्टा W2 और डेल्टा W3 में, तो मैं आराम से बता सकता हूं कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। जो इनमें रिलेशन होगा वही इनमें रिलेशन होगा। अब इसको देखकर हम क्या बता सकते हैं? मेरे को यहां से पता है कि ये जो होता है दिस इज एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। अब वर्क डन क्या होता है एरिया अंडर द कर्व? अगर मैं ये वाली इक्वेशन लू, थर्ड लू, तो एरिया अंडर द कर्व क्या हुआ? ये हुआ। सेकंड वाली में क्या हुआ? ये वाला और ऐड हो गया। फर्स्ट वाली में क्या हुआ? ये वाला और ऐड हो गया। सो इजीली बता सकता हूं मैं, अब यहां से देखकर मेरे को एरिया देखकर पता चल गया सिंपली कि डेल्टा डब्ल्यू वन इज ग्रेटर देन डेल्टा डब्ल्यू टू इज ग्रेटर देन डेल्टा डब्ल्यू थ्री, खत्म। सो यानी सी वन विल बी ग्रेटर देन सी टू यानी ग्रेटर देन सी थ्री, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। और कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। लेट अस कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दिस इज द एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। प्रोबेबली सबसे ज्यादा आप यही देखोगे और सबसे ज्यादा यही पढ़ोगे इन आइसोकोरिक आइसोबारिक, बिकॉज वो जो होती है वो काफी सिंपल हो जाती है। ये जो है एडियाबेटिक, इट इज अ वेरी गुड प्रोसेस, ठीक है। लेट अस सी इसमें क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा क्यू इज जीरो, यानी देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स, ठीक है, दैट इज जीरो। तो इसकी प्रोसेस, अब इसमें क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू डी जीरो हो गया, सो दैट मींस डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, या फिर डी यू विल बी इक्वल टू प्लस, सॉरी, प्लस डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। डी यू क्या हुआ हमको पता है, एन सी वी डी टी होता है, और डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी, दिस इज इक्वल टू जीरो। सी वी को मैं लिख सकता हूं आर अपॉन गामा माइनस वन, एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डी टी, और पी को मैं लिख सकता हूं एन आर टी अपॉन वी, एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो। एन आर से एन आर दोनों जगह कैंसिल कर सकता हूं, तो डी टी अपॉन गामा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी अपॉन वी इंटू डी वी, ठीक है। तो इसको सिंपली लिख सकता हूं माइनस ऑफ डी टी अपॉन T will be equal to gamma minus 1 dv upon v, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली, यहां से आ गया हमारा ln T is equals to gamma minus 1 minus of gamma minus 1 ln v, राइट। इसको मैं इधर ले जा सकता हूं ln T v raised to gamma minus 1 is equals to zero, ठीक है। तो टी वी रेस्ट पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू, सॉरी यहां पे कांस्टेंट भी आएगा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो एल एन के लिख लो या कुछ भी लिख लो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एल एन के, कुछ भी कांस्टेंट, दैट क्यू के था। तो टी वी रेस्ट पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर टी वी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आ गई हमारी प्रोसेस इक्वेशन। यानी अगर मेरे को एडियाबेटिक प्रोसेस दे रखी है तो मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा, पीवी रेशियो और गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज आप याद रखेंगे। अब अगर एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आपको किसी भी चीज का यूज करना है, लेट अस सपोज टेम्परेचर के टर्म्स में बताना है, तो पी को आप टेम्परेचर के टर्म्स में डाल देंगे, पी को आप सिंपली लिख सकते हैं एनआरटी अपॉन वी, ठीक है ना। एनआरटी अपॉन वी लिखेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी, टी अपॉन वी एक तरह से, तो वी रेशियो और गामा माइनस वन हो जाएगा, टी हो जाएगा टी इंटू वी रेशियो और गामा माइनस वन। सिमिलरली आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पीटी में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब इसके जो कर्व्स हैं किस तरीके से प्लॉट करने हैं,
वो ऑल दो आपकी बुक में दे रखे, बट मैं यहाँ पे करा देता हूँ, जल्दी जल्दी से करा देता हूँ थोड़ा, सो दैट आपको पता चल जाएगी किस तरीके से निकालना है। जैसे हमने उसमें निकाला था, अब आपको पता है कि प्रोसेस इक्वेशन है पीवी रेशियो और कांस्टेंट, पीवी गामा रेशियो और कांस्टेंट। तो अगर पीवी का होगा तो कैसा होगा, इसमें भी वही है क्योंकि P1 जिसमें हमने करा था जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट था उसमें भी, ठीक है। वहां पे क्या था, पी गामा जो था उस केस में 1 था, ये डिफरेंस था सिर्फ, ठीक है। तो जैसा हमने वहां पे बनाया था वैसे ही हम यहां पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, डीपी बाय डीवी करके इसकी वैल्यू निकालेंगे जो कि लेस देन 0 आएगी, फिर दोबारा डी टू पी बाय डीवी स्क्वायर करेंगे जो कि ग्रेटर देन 0 आएगी, तो हमारा कर्व कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली आप टीवी ग्राफ भी बना सकते हैं, पीटी ग्राफ भी बना सकते हैं, वो आप देख लेंगे बुकलेट से क्या क्या वैल्यूज आती है और किस तरीके से बनाया गया, ठीक है। नाउ आफ्टर द एडियाबेटिक प्रोसेस एक होती है हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में होता था पीवी रेशियो गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में होता है पीवी रेस्ट पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक्स होता है, एक्स ये वही वाला एक्स है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। स्टार्टिंग में क्या था, जब हमने सी की वैल्यू बताई थी वो बताई थी आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है ना, ये वही एक्स है, राइट। तो यहां पे क्या होता है, अगर एक्स इज इक्वल टू गामा आ जाता है अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, एक्स इज इक्वल टू 1 होता है जब आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है जब आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, एंड एक्स इज इक्वल टू 0 होता है जब आइसोबारिक प्रोसेस होती है। जो वर्कडन होता है इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में उसका फॉर्मूला आपके बुकलेट में गलत गिवन है, उसका फॉर्मूला होता है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस एक्स। और आपकी बुकलेट में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर मोलर हीट कैपेसिटी की डेरिवेशन दे रखी है, वो मैं आपको यहां पे नहीं करा रहा, आपको मैं सिंपली पहले भी करा चुका हूं, वो सिंपली यही होती है विच इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, ये होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्मूला, ठीक है। नाउ इससे रिलेटेड अब थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। Let us come to example number 9. इससे आपको मतलब ये एक typical question है, मतलब इस type की question thermodynamics से related काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक ऐसी cyclic process आपको दे रखी है, इसमें आपको overall work done निकालना है first part में, second part में total internal energy। अब cyclic process है तो आप देखते ही बता सकते हैं अगर आपको objective question आता है कि internal energy एक cyclic process में zero होती है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो एक तरह से क्या हुआ कि अब जब जीरो हो गई तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा यू जीरो हो गया, तो यानी हमको क्या करना है, सिर्फ एक ही पार्ट निकालना है, यानी डेल्टा डब्ल्यू में निकाल लेता हूं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि हमको अलग अलग पार्ट के लिए देखना होता है, हम जो एरिया बताते थे, एरिया अंडर द कर्व जो बताते थे वो पीवी डायग्राम में रहता होता था, ये चीज आप याद रखेंगे, ये भूलेंगे नहीं कि वो पीवी डायग्राम में होता था, लेकिन यहां पे पीटी दे रखा है इसलिए हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हम यहां पर क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस की निकालते हैं, ऑल्दो प्रोसेस आर वेरी सिंपल। जैसे ये क्या है, ए बी क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है यानी आइसोबारिक, सी डी भी आइसोबारिक है, बी सी एंड डी ए ये जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसके अंदर हमको वर्क डन पता है, तो वर्क डन ए बी में कितना होगा, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक में क्या होता है पी डेल्टा वी होता है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं एनआर डेल्टा टी आराम से, P कांस्टेंट है तो N कितना है 2 मोल्स ऑफ हीलियम है, R है 8.314 या फिर इसको मैं सिंपली R ही जैसे आपकी बुकलेट में दे रखा है, डेल्टा T कितना है 100, सिंपल 200 R हो गया, ठीक है। अब आपको डेल्टा W BC बताना है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव करा था, वो क्या आया था NRT log V2 by V1 ln E V2 by V1, ठीक है ना, log E V2 by V1, ये याद है आपको, V2 यानी V final minus V initial। अब यहाँ पे V की कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने आपको बताया था हम लोग डिराइव इसको सिंपली लिख सकते हैं,
हमको पता है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P1V1 will be equal to P2V2. तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं NRT log E P1 upon P2. या फिर इसको लिख सकता हूं PB प्रेशर एट B upon प्रेशर एट C. तो ये आ जाएगा मेरा N कितना है 2R T कितना है यहां पर 400 ln log E को मैं ln लिख सकता हूं ln 1 upon 2 सॉरी 2 upon 1 यानी ln 2 तो ये आ गया 800 R ln 2 ठीक है डेल्टा W BC आ गया डेल्टा W अब CD कितना होगा दिस विल बी इक्वल टू NR डेल्टा T PDV और NR डेल्टा T तो ये कितना हो जाएगा ये 200 R माइनस ऑफ 200 R होगा ये ऑलराइट अब डेल्टा W DA डेल्टा डब्ल्यू डी होगा एन आर टी एल एन टू लेकिन यहां पे क्या है ऑल द सेम वैल्यू आनी चाहिए बट यहां पे क्या टेम्परेचर दोनों के अलग अलग है इसलिए डेल्टा डब्ल्यू यहां पर क्या होगा दिस विल बी 2 इंटू आर इंटू 300 ये यहां पे सॉरी माइनस एल एन टू ठीक है तो यह आएगा माइनस बिकॉज डी से ए पे जा रहा है पी वन अपॉन पी टू होगा पी वन अपॉन पी टू यानी एल एन वन बाय टू तो एल एन वन बाय टू क्या होगा माइनस एल एन टू इसलिए यहां पर माइनस आया तो माइनस 600 आर एल एन टू ठीक है ना तो मैं टोटल निकाल सकता हूं डेल्टा डब्ल्यू टोटल कितना होगा ये प्लस ये प्लस वो सो ये और सी डी ए बी और सी डी तो कैंसिल हो गए बिकॉज ये दोनों ये प्लस 200 आ रहा है ये माइनस 200 आ रहा है तो टोटल क्या बचा दिस माइनस दिस यानी 200 आर एल एन टू ये मेरा आंसर आ गया खत्म इतना ही डेल्टा डब्ल्यू होगा डेल्टा क्यू होगा वेरी सिंपल क्वेश्चन लेट अस डू एग्जांपल नंबर 10 बेसिकली ये वाला क्वेश्चन इससे क्या होगा कि आपको कर्व प्लॉट करने आ जाएंगे ये मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना है द क्वेश्चन सेज कि 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम अब क्या है इसका ये पार्ट अगर आप पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 10 का तो उसमें पूछा गया स्केच द पीवी एंड द पीटी डायग्राम फॉर द प्रोसेस पीवी और पीटी डायग्राम बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे ये पीवी हो गया ठीक है और ये पीटी हो गया ठीक है तो पहली प्रोसेस है सबसे पहले एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं लेट अस सपोज ये ए है ये भी इधर ए है ठीक है अब अपने आप बनाएंगे विदाउट लुकिंग एट द डायग्राम ठीक है तो ये कह रहा है कि 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी इज आइसोथर्मली एक्सपैंडेड टू ट्वाइस दिस इट्स इनिशियल वॉल्यूम अब इसको एक्सपैंड करा आइसोथर्मली यानी टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट ए बी प्रोसेस आया करिए तो इसमें टेम्परेचर जो है दैट इज कॉन्स्टेंट और इसको एक्सपैंड कर रहे हैं यानी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग अब वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर मस्ट बी डिक्रीजिंग ये आपको पेपर में लिखना नहीं है मतलब अगर आप करते हैं ये वो है कि माइंड में क्या चल रहा है वो मैंने लिखा है बस यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं होती ठीक है अब आपको बता दिया वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज ये एक्सपैंड कर रहा है तो अब और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कर्व कैसा होता है हमको पता है हमने ऐसा होता है ये हमने ड्राइव करा था अब यहां पर क्या है द प्रेशर इज आइसोथर्मली द प्रेशर इज डिक्रीजिंग अगर लेट अस सपोज यहां पे लेते हैं प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया ठीक है राइट तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया और हमको पता है क्योंकि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 है यहां पर और वॉल्यूम जो है वो ट्वाइस हो गया जैसे यहां पर क्या था P कॉमा V था लेट अस सपोज तो यहां पे क्या होगा P बाय 2 कॉमा V 2V ठीक है ये ऑब्वियस ही बात है राइट अब ये कह रहा है कि इट इज देन कंप्रेस्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इट इज देन कंप्रेस्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम कॉन्स्टेंट प्रेशर यानी प्रेशर सेम रखना है तो हम यहां तक आ गए ठीक है यानी यहां पे हो गया पी बाय टू कॉमा वी ये स्टेट हो गई एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कंप्रेस करा तो क्या हुआ टेम्परेचर भी उसका कम होगा क्योंकि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अगर पी कॉन्स्टेंट है पी कॉन्स्टेंट पे ये अगर ए था ये बी है इसको यहां लिया ठीक है ना टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा राइट
तो ये भी टी जो है टी बाई टू हो जाएगा, ठीक है इस पॉइंट पे। अब ये कह रहा है कि फाइनली द गैस इज कंप्रेस्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर, ओरिजिनल प्रेशर तक लाए और वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट हो गया, यानी ये यहां से यहां पर आ गया, जो लैंग्वेज है वो कंप्रेस्ड नहीं होगा। जो आपकी क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी है दैट लैंग्वेज इज रॉन्ग, उसके अंदर इट शुड बी कि इट इज ब्रॉट टू द ओरिजिनल प्रेशर, ठीक है नॉट कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब तो क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, बट यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। यहां पे ये कह रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, ये हमारे कर्व प्लॉट हो गए, खत्म, इतना सा काम था। सो इट वॉज वेरी सिंपल। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस एंड द हीट सप्लाइड बाय द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। तो आप हर एक का अलग अलग निकाल लेंगे। आपको ये वाली प्रोसेस पता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, और ये साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा डब्ल्यू विल बी जीरो, डेल्टा यू विल बी जीरो, और डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है ना, ये आपको पता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसके अंदर होता है एनआर टी एल एन वी टू बाय वी वन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, सिंपली पी डी वी होता है, पी डेल्टा वी, ठीक है। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, सॉरी आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है, बस कदम इसमें जीरो है, तो यानी इन दोनों प्रोसेस को देखना है और ये दोनों वैल्यूज निकालनी है जिनको हमको ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। या फिर मैं डायरेक्टली यहां पर एरिया अंडर दिस कर्व भी बता सकता था, लेकिन क्योंकि ये कर्व है और इस कर्व की मेरे को इक्वेशन नहीं पता तो इसलिए मैं यही यूज नहीं कर रहा, ठीक है। ऑल्दो इक्वेशन पता है लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं ये यूज नहीं कर रहा। और रादर जब आप एरिया ना निकाल सको पीवी कर्व में, तो आप अलग अलग प्रोसेसेस की आराम से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है।